जय माता दी, राधे राधे। आइए सुनते हैं अहोई अष्टमी व्रत कथा पूजन विधि। अहोई अष्टमी के दिन माताएं अपनी संतान के लिए अहोई अष्टमी का निर्जला व्रत रखती हैं। संतान प्राप्ति की चाह रखने वाली सुहागनवतियाँ भी अहोई अष्टमी का व्रत रखती हैं। इस दिन अहोई माता की पूजा विधि विधान से करते हैं। अहोई अष्टमी की पूजा सूर्यास्त के बाद प्रदोष काल में होती है। पूजा के समय व्रती को अहोई अष्टमी की व्रत कथा जरूर सुननी चाहिए। इससे व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है और महत्व भी पता चलता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को अहोई अष्टमी का व्रत रखते हैं। अहोई अष्टमी व्रत की कथा पूजा के मुहूर्त के बारे में आइए जानते हैं। कथा के अनुसार एक समय की बात है, एक नगर में एक साहूकार रहता था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। उसकी एक बेटी थी जिसका विवाह हो चुका था। दिवाली के दिन वह मायके आई थी। दिवाली के अवसर पर घर और आंगन को साफ सुथरा करने के लिए जंगल से मिट्टी लाने चली गई। उनके साथ उनकी ननद भी थी। जंगल में साहूकार की बेटी जिस जगह पर मिट्टी खोद रही थी वहाँ पर स्याहू यानी साही अपने बेटों के साथ रहती थी। मिट्टी काटते समय साहूकार की बेटी की खुरपी से स्याहू का एक बच्चा मर गया। इससे स्याहू दुखी हो गई। उसने गुस्से में साहूकार की बेटी से कहा कि तुम्हारी कोख बांध दूंगी। उसकी बात सुनकर साहूकार की बेटी डर जाती है और वह अपने सभी भाभी से एक एक करके कहती है कि वे उसके बदले अपनी कोख बंधवा ले। सबसे छोटी भाभी इसके लिए तैयार होती है। इस घटना के कुछ समय बाद जब उसकी छोटी भाभी के बच्चे होते हैं तो वे 7 दिन बाद मर जाते हैं। ऐसे करके उसके 7 संतानों की मृत्यु हो जाती है। तब उसने एक पंडित से घटना बताई और उपाय पूछा। पंडित ने कहा कि एक सुनहरी गाय की सेवा करो। पंडित के सुझाव के अनुसार ही वह एक सुनहरी गाय की सेवा करती है। वह गाय उससे खुश हो जाती है और उसे स्याहू के पास ले जाती है। रास्ते में दोनों थक गए तो एक जगह आराम करने लगते हैं और सो जाते हैं। अचानक साहूकार की छोटी बहू की आँख खुलती है तो वह देखती है कि एक सांप गरुड़ पंखनी के बच्चे को डसने जा रहा है। तभी वह उस सांप को मार देती है। इतने समय में ही गरुड़ पंखनी वहां आ जाती है। वहां पर खून देखकर वह क्रोधित हो जाती है। उसे लगता है कि साहूकार की छोटी बहू ने उसके बच्चे को मार डाला है। इस पर वह उसे चोट से मारने लगती है। इस पर छोटी बहू उससे कहती है कि उसने तुम्हारे बच्चे की जान बचाई है। यह बात सुनकर वह खुश हो जाती है। छोटी बहू और सुनहरी गाय के उद्देश्य को जानकर गरुड़ पंख ने उन दोनों को स्याहू के पास लेकर जाती है। साहूकार की छोटी बहू के काम से स्याहू प्रसन्न होती है। वह उसे 7 बेटे और 7 बहू होने का आशीर्वाद देती है। स्याहू के आशीर्वाद से साहूकार की छोटी बहू को 7 बेटे होते हैं और समय पर उनकी शादी होती है। इस प्रकार से साहूकार की छोटी बहू 7 बेटे और 7 बहुओं को पाकर खुश हो जाती है। अहोई अष्टमी की पूजा के बाद इस कथा को सुनते हैं। अहोई माता से संतान एवं उनकी सुरक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं। अहोई अष्टमी के दिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर अहोई माता के सामने व्रत का संकल्प लें। फिर
एक गेरू से अहोई माता का चित्र बनाएं, या आप चाहें तो बाजार से भी अहोई माता का चित्र ला सकते हैं। फिर सूर्यास्त के बाद तारे निकलने पर अहोई माता की पूजा करें। इस पूजा में जल से भरे एक कलश, सफ़ेद धातु या चांदी की अहोई, कुछ फूल, दूध, हलवा, उबले चावल और घी के दीपक की ज़रूरत होती है। सबसे पहले अहोई माता को तिलक लगाया जाता है, फिर उन्हें फूल अर्पित किए जाते हैं। माता के सामने घी का दीपक जलाया जाता है, फिर अहोई माता को दूध और उबले चावल प्रसाद के रूप में चढ़ाए जाते हैं। इसके बाद गेहूं के 7 दाने और साथ में दक्षिणा के लिए कुछ पैसे अपने हाथ में लें। फिर सच्चे मन से अहोई माता की कथा सुनें। कथा के बाद गेहूं के दाने और दक्षिणा अपनी सास को दें और फिर उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद लें। फिर तारों या फिर चंद्रमा को अर्घ देकर अपना व्रत खोलें। कहते हैं जिन जोड़ों को संतान प्राप्ति में समस्या आ रही है, उन्हें अहोई अष्टमी के दिन राधा कुंड में डुबकी लगाकर और इस पवित्र कुंड में खड़े होकर राधा रानी की पूजा करनी चाहिए। माना जाता है इससे संतान सुख अवश्य प्राप्त होता है। इसी मान्यता के कारण हर साल अहोई अष्टमी के दिन कई शादीशुदा जोड़े एक साथ रात में राधा कुंड के पवित्र जल में डुबकी लगाते हैं। अहोई अष्टमी पूजन सामग्री: अहोई माता का चित्र, जल का कलश, गंगा जल, करवा, धूप बत्ती, दीपक, गाय का घी, श्रृंगार का सामान जैसे काजल, बिंदी, चूड़ी, लाल चुनरी, साड़ी या सूट आदि, फूल, रोली, कलावा, अच्छत, सूखा आटा चौक के लिए, गाय का दूध। अहोई अष्टमी व्रत के नियम: अहोई अष्टमी की पूजा कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन प्रदोष काल में की जाती है। इस दिन महिलाएं अन्न और जल कुछ भी ग्रहण नहीं करती और शाम में शुभ मुहूर्त में अहोई भगवती की पूजा करती हैं। अहोई अष्टमी व्रत संतान की दीर्घायु और निरोगी काया के लिए रखा जाता है। इस दिन सभी माताएं सूर्योदय से पहले जागकर स्नान कर अहोई माता की पूजा करती हैं और इस दौरान व्रत का संकल्प भी लेती हैं। पूजा के लिए अहोई माता की 8 कोने वाली तस्वीर पूजा स्थल पर रखी जाती है। ध्यान रखें कि माता अहोई के साथ शाही की भी तस्वीर जरूर होनी चाहिए। बता दें शाही कांटेदार अस्तनपायी जीव होता है। ये पूजा शाम को प्रारंभ होती है। अहोई अष्टमी की पूजा के समय अहोई माता को गुलगुले का भोग जरूर लगाएं। ये माता को बेहद ही प्रिय है। गुलगुले के बिना अहोई अष्टमी की पूजा अधूरी मानी जाती है। इसका भोग लगाने से संतान को तरक्की की प्राप्ति होती है। दूध और दही का भोग: अहोई अष्टमी के दिन अहोई माता को दूध और दही का भोग लगाना चाहिए। इससे माता प्रसन्न होती हैं। इस चीज़ का भोग लगाने से जातक को शुभ फल की प्राप्ति होती है और संतान को करियर में लाभ मिलता है। अहोई व्रत की पूजा में 8 पूरी और 8 मालपुआ का भोग लगाया जाता है। पूजा के समय ये दोनों चीज माता को जरूर अर्पित करना चाहिए। इसका भोग लगाने से संतान को समृद्धि मिलती है। बतासे: अहोई अष्टमी पर आप माता को बतासे का भोग लगा सकते हैं। इसका भोग लगाने से माता पार्वती खुश होती हैं,
संतान की प्राप्ति के लिए ये भोग सबसे उत्तम माना जाता है। अहोई अष्टमी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर साफ वस्त्र धारण करें। इसके बाद अहोई माता के सामने व्रत का संकल्प लें।